सब उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोकेशन देख रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ आए हैं। आज हम लोग बूढ़ाघाग आए हैं, लोध फॉल पहली बार आए हैं, और अभी तक तो अच्छा व्यू देखने को मिला है। और मेरे सामने लोध फॉल दिख रहा है, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं। हम लोग इतने सारे लोग आए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और हम 5। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और इतनी चिलचिलाती धूप में हम लोग बूढ़ाघाग आए हैं घूमने के लिए। अभी देखिए पत्ता पूरा हवा चल रहा है। तो ये है गाइस लोध फॉल, झारखंड का सबसे जो हाईएस्ट फॉल है लोध फॉल। कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ जाने के लिए। ये लोध फॉल का नीचे नदी बह रहा है यहाँ पे, ये वाला। रुकिए, सब पीछे रही ना तब ना हेलो करवाएंगे सब, तो आगे आगे चल रहे। आइए पीछे आइए, सब हेलो कीजिए। अरे बोल के भी हेलो। दोपहर के 12 बजे। हाँ वैसे अभी अभी तो ठीक ही लग रहा है, नहीं लग रहा अभी उतना। जनवरी में ठीक रहता है। हाँ हम लोग अभी गर्मी के सीज़न में आ गए ना, इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा है। कोई को तो छोड़ ना, कोई लोग तो बहुत दूर से आते हैं, कोई आ जाता है, सबका छुट्टी हो गई ना। ठंडा के टाइम आना चाहिए था तो पानी भी ज़्यादा रहता, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे पिकनिक मनाने यहाँ पे। अभी तो जस्ट हम लोग का अचानक से ही प्लान बन गया था, जैसा कि हमेशा होता है अचानक से प्लान बनता है, सही बना इस बार भी, और बस चल दिए। तो हम लोग घर से निकले थे 9 बजे और पहुंच गए 12 बजे तक, मतलब धीरे धीरे ही चल रहे थे हम लोग, इसीलिए इतना टाइम लगा। वरना 2 घंटा के में, वरना 2 घंटा में तो पहुंच ही जाते। हाँ इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे, एक टूरिस्ट वैन भी दिखा था, तो गर्मी के टाइम में भी इतना सारा लोग आया हुआ है यहाँ पे। वहाँ पर एक आदमी तो वहाँ पे ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, योगा टाइप का, जो नहीं बैठते हैं उस टाइप का पोजीशन में बैठा है। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा सब नहाने में व्यस्त है। वाह तो मज़ा आ रहा होगा ना, वाह। यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, तो यही वही है ना सबसे ऊंचा। तो हाँ खोल ये चश्मा, चश्मा चलो डूबा के इसमें नहीं डगने देगा। हाँ जाइए डगिए आप ही। पकड़ी पाया पाया तो कहीं नहीं है एकदम। अभी अब इसमें देख, मैं तो इसमें ये दिशा में रहता हूँ। आप है ना पकड़ने के लिए, नहीं गिराइएगा ना। अब हम भी फिसल जाएंगे तो हम काट। यहाँ से है रखिएगा।
ना कहीं लोग क्या और क्या दिखता होगा ना। नहीं जाएंगे। अरे आओ ना, चलिए चलिए। पकड़ी तो मेरा रिकॉर्ड कर दीजिएगा। ऑन है, ऑन है। बहादुर जी से चढ़ लग रहा है, चढ़ जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? उधर देखिएगा, फिसले फिसले गु, पक्का फिसले गु आदमी। यहाँ से तो बहुत सुंदर दिख रहा है फॉल। तो ये है गाइस लॉर्ड फॉल, हम लोग इसके नजदीक आ गए हैं, पर और नजदीक जाया जा सकता है। इसमें पूरा बच्चा लोग एंजॉय कर रहा है, इधर नहा रहा है, इधर भी नहा रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं, पानी में तो भींग के ही जाएंगे, थोड़ा इतना दूर आए हैं तो पानी में तो उतरना बनता है। सब छाया की खोज में है, कहाँ जहाँ भी छाया मिल जाए वहीं पे रुक जाएंगे। मेरे पीछे मेरे हबी डायरेक्शन दे रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। यार कसम से क्या मेरे हाँ, तो हम लोग थोड़ा और ऊपर वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। एडवेंचरस है ये तो बहुत, साथ ही खतरनाक। जूती को खोल लिए हैं वो, क्योंकि फिसल भी बहुत है, इस पत्थर से बहुत फिसल रहा है। वो मोबाइल दे दो उसको, ये वाला दे दो मुझे, क्या करूँ इसमें पानी तो नहीं आया। हम लोग फॉल के करीब तो आ चुके हैं, पर अभी वहाँ पे कोई और कब्जा करके रखा हुआ है। सोच रहे हैं वो लोग हटेगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ सामने। अभी छाया में खड़े हैं, यहाँ पे जो पत्थर है ना जिससे फॉल गिर रहा है उसका छाया में रुके हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा गाइस, ये फॉल झारखंड का सबसे ऊंचा फॉल है और ये 143 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। और ये फॉल जो उत्तरी कोयल है उसकी सहायक नदी बूढ़ा नदी उसी से मतलब निकलता है, तो बूढ़ा नदी से ही निकल गिरती है ये फॉल, इसीलिए बूढ़ा घाग या बूढ़ा फॉल, लॉद फॉल सब नाम दिया गया है। झरना नहीं सही, बैग हटे हैं तो पानी घुस जाएगा। झरना ना सही, उसका जो धारा निकल रहा है उसी से खेल रहे हम लोग। बहुत ठंडा पानी गाइस, वाओ, अप्रैल का मंथ में इतना ठंडा पानी, पूरा फ्रिज जैसा ठंडा पानी है। ये पानी तो ठंडा है क्या? हाँ बहुत ठंडा है, फरवरी महीना भी इतना ठंडा रहता है ना। हाँ वही ना, ठंडा के दिन भी तो कितना ठंडा रहता होगा, बर्फ जैसा। हमको ना चेहरा धोने में सीजन है ना।
सही में अभी तक कोई खाना नहीं खाए हैं हम लोग, फिर भी भूख नहीं लग रहा है। देखिए हम लोग यहाँ हम लोग चार कोई आए हुए हैं और एक कोई तो उधर उधर गए बैठे हुए हैं वो तो सामान देखने के लिए, पर धूप का एहसास ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। पानी के छींटा पड़ते ही वाह, व्हाट अ फीलिंग। अगर आप लोग यहाँ पे कभी नहीं आए हैं तो जरूर यहाँ पे आने की आप कोशिश करें, जरूर यहाँ पे विजिट करें, मजा आएगा बहुत मजा। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं फॉल से जो बह रहा है नदी, उसी के पास हम लोग बैठे हैं। इधर नीचे आए हैं, इधर सब खाना बांट रहे हैं। ये है कुछ व्यू, अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, कलकल बहती हुई पानी का बहने का आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर। हाँ यहाँ पे छाया भी है, आम पेड़ का छाया है और ऊंचा ऊंचा पत्थर है। वाह मस्त सीन है, एकदम मस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या क्या खाने में दिखाते हैं आप लोगों को, पहले निकालने दीजिए। देखे इंतजार का घर कितना अच्छा रहता है, देखे कार है यहाँ पे, और एक गाड़ी शायद कुछ काम वाले उनका है, काम करने के लिए, काम देखने के लिए यहाँ पे आए शायद उनका है, वरना बाकी जितने भी टूरिस्ट है सब यहाँ से चले गए, सिर्फ हमारा गाड़ी है। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, फिर कहीं और जाएंगे सोच रहे हैं, वो अभी गाड़ी में डिसाइड करेंगे चलते चलते कि कहाँ जाना है। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ये वाला जो बूढ़ा घाट का यहीं तक रहेगा, फिर जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन अभी जो हम लोग जाएंगे वो दूसरे ब्लॉग में रहेगा, वरना ऐसे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। गाड़ी अपने आप चल रहा है, अरे रुकिए।